सलामकुम एवरीवन। चार बज के छः मिनट हो रहे हैं। आई वुड वेट अनदर वन और टू मिनट्स कि अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो हम उन्हें ऐड कर लें बिफोर वी किक ऑफ द मीटिंग। I will begin right now. Assalamu alaikum everyone to this webinar today on paper shares, how to manage your paper shares, how to convert them. First of all, let me introduce myself. My name is Raida Latif and I work with the Stock Exchange. Mere saath maujood hain aaj CDC House se Mr. Sharik and his team members. Sharik has been with the CDC for quite a number of years. He in fact joined the CDC back in 2001. So I think, mashallah, 20 plus years he has experience with CDC. Uske alawa inke paas aur bhi different jagahon ka experience hai, like Dun and Bradstreet before he joined CDC. And mashallah, he is the person, I would say, who is the go-to person when we think about CDC in the capital market. He has been overlooking product, research, marketing, and other customer services matters as well. Iske ilawa mere saath yahan maujood hain KASB Securities se Mr. Faizan Munshi. Faizan has been with the KASB for many years, and he is the currently heading the foreign, he's the associate director for sales at KSB Securities. I think with time, I will also give you aapko thoda bahut apne aap ko bhi introduce kar dijiyega. And then let me tell you the reason we are holding this webinar today. And ये हमारे पास इन्फो पे डायरेक्टली सीडीसी के पास एंड वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस के पास मुख्तलिफ क्वेरीज आती हैं। विद इन आवर सोशल सर्कल्स आल्सो वी कम अक्रॉस मेनी पीपल। इन्वेस्टर एजुकेशन के सेमिनार्स और सेशंस में भी हमारे पास बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आती हैं कि यू नो माय फादर हैड पेपर शेयर्स, उसका क्या करें, हम फेंक दें, उसकी क्या वर्थ है। एंड देन वी हैव टू टेल देम टू स्टॉप एंड नॉट थिंक ऑफ डिस्कार्डिंग दोज, दे आर वेरी प्रेशियस बिकॉज वो डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। ओवर द इयर्स आपने उन शेयर्स को देखा नहीं होता, आपने उनकी प्राइस अप्रिसिएशन को नहीं देखा होता है। कई ऐसी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिन्होंने डिविडेंड्स दिए होते हैं, छः छः आठ आठ दस दस साल से वो डिविडेंड्स लिए नहीं गए होते हैं, अक्यूमुलेट हुए हुए होते हैं। सो यू नो यू आर एज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स, यू आर एलिजिबल टू गेन, टू टेक दैट गेन एंड रियलाइज दैट गेन for your own benefit. So whether these paper shares are held by your parents, whether they're held by your relatives, or whether they've been given or gifted to you by your siblings or parents or relatives, I think it is very important to know and understand how to A, convert these paper shares to be able to utilize them further. कि उन्हीं कंपनी के आप शेयर्स और खरीदना चाहते हैं, उन शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, या दूसरी चीज हाउ टू गेन एंड रियलाइज द डिविडेंड्स दैट यू हैव अक्वायर्ड एंड कलेक्टेड और अक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स। सो फॉर दैट रीजन आई हैव इनवाइटेड शारिक एंड फैजान टू बी विद मी। शारिक आपको सीडीसी और प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव बताएंगे इलेक्ट्रॉन पेपर टू पेपरलेस
होने में, या इसको इसकी एक टर्म यूज करते हैं जो कि मेरे लिए भी शुरू में नई थी कि इसको डी मैट या डी मटीरियलाइज किस तरह करते हैं. एंड देन वील ऑल्सो गो टू फैजान फॉर हिज एक्सपर्टीज ऑन व्हाट इज द रोल और इस पूरे प्रोसेस में ब्रोकरेज हाउस कहाँ फिट होता है, वो कस्टमर या एंड इन्वेस्टर को किस किस्म की सर्विसेज दे रहा होता है. सो आई थिंक आई विल बिगिन विद माई फर्स्ट क्वेश्चन. जी शारिक, आई विल बिगिन विद यू एंड फैजान यू कैन यू नो वंस शारिक कंप्लीट आप भी प्लीज उस पे रोशनी डालिएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर शेयर्स एंड डिजिटल शेयर्स? Distali Braga, thank you very much for holding this webinar on this very important topic. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो paper shares हैं, this is an obsolete thing in the market now, और अब तो शायद सब कुछ electronic है और सारी चीजें जो है वो book entry form में ही होती है. तो मैं इसको थोड़ा सा इस fact को भी correct करा दूं कि even as of today, जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनके पास, देर आर लॉट ऑफ पीपल, अगर आप मुझसे पूछे तो जो एक रफ नंबर है, द नंबर गोज इन लैक्स, 2 to 3 lakh पीपल आर देयर इन पाकिस्तान हु आर होल्डिंग फिजिकल सिक्योरिटीज. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो वो पेपर शेयर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फ्रेशनेस है आप समझ लीजिए कि वो खत्म होती जा रही है और वो मजीद डिफिकल्ट होते जा रहे हैं उनके लिए टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू द बुक एंट्री फॉर्म. ये मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से वो मजीद मुश्किल होते चले जा रहे हैं कि अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा रखते हैं तो लाइक एवरी पेरिशेबल आइटम उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है. तो इसी तरीके से अगर आप पेपर शेयर्स को भी for years and years, agar for generations to generation, if you are keeping them in a vault or keeping them in a cupboard or keeping them below your pillow, so you are just abolishing the true value of your assets. Dusri cheez ye ki wo sab log jo hame aaj sun rahe hain aur jinhone apne fathers ke paas ya grandfathers ke paas ya kisi aur ke paas paper shares dekhe hain, so don't treat them like कि वो ओल्ड जो है ना वो कोई पोस्ट टिकट्स की तरह उनको कोई चीज इकट्ठी करने का शौक था और उन्होंने रखा हुआ है. दीज आर एसेट्स, बिलीव मी, दीज आर एज गुड एसेट्स एज अ प्लॉट फॉर यू, एज अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फॉर यू, एज अ बॉन्ड फॉर यू. सो दीज आर एसेट्स एंड आप लोगों को हर हक हासिल है कि आप इस एसेट को अपने फेवर में रियलाइज करें. तो अगर आप में से जिस जिस के पास भी उनके या उनके एंसेस्टर्स के पास कोई पेपर शेयर्स है तो इमीडिएटली गेट देम कन्वर्टेड इनटू द बुक एंट्री फॉर्म. क्योंकि मैं आपको एक चीज से अभी एक चीज इंटीमेट कर देता हूं कि एससीसीपी का जो कंपनीज एक्ट 2017 आया है उसके अंदर ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है कि विद इन अ टाइम फ्रेम, अभी वो टाइम फ्रेम अनाउंस नहीं हुआ है मगर विद इन अ टाइम फ्रेम जो पेपर सिक्योरिटीज है वो अपनी हैसियत खो देंगे और उसके बाद वो सिर्फ पेपर बन जाएगी, वो पेपर सिक्योरिटीज नहीं रहेगी. सेकेंडली जो पेपर शेयर्स होते स्टॉक एज पर द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज यू कैन नॉट ट्रेड द पेपर शेयर्स. तो वो आप यू कैन कीप देम, आप उनको रख सकते हैं अपने पास लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है रखने का क्योंकि यू कैन नॉट ट्रेड देम. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जल्द अज जल्द अपनी पेपर सिक्योरिटीज को बुक एंट्री सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करें. जी फैजान. ओके शारिक, सो आपने ये कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो पेपर शेयर्स हैं उसको बुक एंट्री में कन्वर्ट करना होता है. बुक एंट्री को थोड़ा सा मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें बिकॉज ये तो हमारी टर्म है फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव. बुक एंट्री क्या है, आप उसके पेपर शेयर को कहाँ एंटर करेंगे? जी देखिए, मैं इसको बड़ी आसान टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करूं, आज कुछ ना कुछ कैश होगा आपके पास जो आप लोग घर में रखते हो, इसी तरह कुछ कैश है जो आप बैंक में रखते हैं. जब आप अपने कैश को ले जाके बैंक में रखते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो आपका कैश बुक एंट्री फॉर्म में चला गया.
यानी वो कैश आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसी तरीके शेयर्स का जो बैंक है वो सीडीसी है। तो आज आपके पास पेपर शेयर्स है, अगर आप उसको सीडीसी के अकाउंट में रख देंगे जैसे आप बैंक के अकाउंट में रखते तो वो बुक एंट्री फॉर्म में चला जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा फैजान, आप प्लीज जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि फ्रॉम इफ यू हैव एन इन्वेस्टर, चाहे वो आपके कस्टमर हो या वो किसी और भी ब्रोकरेज के कस्टमर्स हो या कहीं के भी कस्टमर्स ना हो, और उनके पास पेपर शेयर्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें पहला क्या स्टेप लेना चाहिए और ब्रोकरेज हाउस उस पूरी पिक्चर में क्या रोल प्ले करता है? First of all, thank you for hosting this webinar. काफी important topic है जिसके related हमें बहुत सारे सवाल आते रहते हैं investors की जानिब से। मेरे overall career में मैंने देखा है कि जितने भी clients होते हैं उनके कुछ ना कुछ fathers के पास या grandfathers के पास या घर में कुछ ऐसे paper shares पड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमेशा से IPOs जो है वो काफ़ी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया होता था, जिसके थ्रू जो है वो जनरल पब्लिक जो है वो इन्वेस्टमेंट करती थी शेयर्स के अंदर, जब कंपनी जो है वो नए IPOs इशू करती थी। तो वो नॉर्मली लोग बैंक्स के थ्रू करते थे और उसके बाद जो है वो उनको पेपर शेयर्स मिल जाते थे, और वो पेपर शेयर्स जो है वो नॉर्मली उनके घरों में पड़े हुए होते हैं। वो आज भी इन्वेस्टर्स के पास जो है वो हम देखते हैं कि जब इन्वेस्टर हमारे पास अकाउंट खुलवाने आते हैं तो कोई ना कोई वो जिक्र करता है कि हमारे घर में जो है वो ये शेयर्स जो है फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो उसकी कन्वर्जन के हिसाब से सबसे पहले तो उसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जो रजिस्ट्रार होता है हर पर्टिकुलर कंपनी का एक डिफरेंट रजिस्ट्रार होता है, उस रजिस्ट्रार के पास से वेरिफिकेशन करवानी होती है जिस भी क्लाइंट के पास वो पेपर शेयर्स हैं, उसकी एक वेरिफिकेशन के साथ वो एक स्टैम्प करता है रजिस्ट्रार और ये कन्फर्म कर देता है कि जी ये शेयर्स जो है ये इसी पर्सन के नाम पे हैं। उसके बाद जो है वो या तो क्लाइंट जो है वो शेयर्स ले जाके ब्रोकरेज हाउस को देगा जिस ब्रोकरेज हाउस में उसका अकाउंट है, अदरवाइज अगर ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट नहीं है नहीं भी है तो या तो वो अकाउंट ब्रोकरेज हाउस में खुलवा सकता है या फिर जो है वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता है वो सीडीसी में जाके एक इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा सकता है और उसके थ्रू जो है वो अपने पेपर शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकता है जो कि उसके या तो ब्रोकरेज अकाउंट के साथ जो सीडीसी अकाउंट अटैच है उसमें आ जाएंगे या फिर जो सीडीसी में इन्वेस्टर अकाउंट है उसमें चले जाएंगे। जब वो एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद बड़ा ईजी होता है उनको बाय और सेल, उनको सेल करना मार्केट में और रियलाइज करना जो उसके गेन्स हो रहे हैं। Thank you, Faizan. Just another question, or you know, just a reiteration of the same thing that you've said. If I have paper shares, I have two options to opt for. Ek ke main brokerage house mein jaun aur brokerage account khulwaun, and then the broker will help me convert these paper shares to the electronic form. इस सूरत में क्या मुझे investor account यानी IAS account की जरूरत है? अगर ब्रोकरेज हाउस में नहीं अकाउंट खुलवाना है किसी क्लाइंट को और अपने शेयर्स जो है वो सीडीसी के पास रखने हैं जो कि उनका इन्वेस्टर अकाउंट होता है, तो फिर वो सीडीसी में जाके एक इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा लेगा और उसके थ्रू भी सीडीसी उसको हेल्प कर देगा पेपर शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाने। ठीक है, सो आज इफ आई एम अ कस्टमर शारिक, आई विल आस्क यू टू एक्सप्लेन दिस वन, एंड आई वांट टू आई हैव पेपर शेयर्स एंड आई हैव नॉट गॉन टू अ ब्रोकर, मुझे नहीं पता मैं किस ब्रोकर के पास जाऊं, तो आई कैन कम वॉक इन टू सीडीसी ऑफिस, कॉल योर 0800 हेल्पलाइन, आप अगर वो भी मुझे नंबर बता दें तो मुझे वहां से क्या गाइडेंस मिलेगी टू ओपन द IAS अकाउंट और उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होंगी? शारिक अनम्यूट करके प्लीज। जी राजा, आई थिंक वो कुछ म्यूट आपके पास से वो रहता है। अच्छा, इसमें मैं पहले एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं, आई थिंक फैजान ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता दिया है, मगर टू बिगिन विद हमें कुछ स्ट्रक्चर को ना समझने की जरूरत है, खासतौर पर एक लेमैन के हैसियत से
हमें ये समझना पड़ेगा कि जब मैं अपने पेपर शेयर्स को बुक एंट्री सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे और वो होते कौन है और क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास किन कंपनीज के शेयर है। आपके पास जो शेयर्स हैं उन पर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा एक कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। अच्छा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो किस कंपनी के शेयर है, आपके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस कंपनी का रजिस्ट्रार कौन। देखिए, फैजान ने भी ये पॉइंट किया था कि रजिस्ट्रार का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अराउंड 80% प्रोसेसिंग जो उसको कन्वर्ट करने की होती है बुक एंट्री सिक्योरिटीज में, वो रजिस्ट्रार का रोल प्ले कर रहा होता है। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एबीसी लिमिटेड का रजिस्ट्रार कौन है। और जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ये कहीं नहीं लिखा होगा कि एबीसी लिमिटेड का शेयर रजिस्ट्रार कौन है। तो अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि आप ये कैसे पता करें कि भाई इसका रजिस्ट्रार कौन है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाइए और सीडीसी की वेबसाइट पे एक ऑप्शन है डाउनलोड्स का। आप डाउनलोड्स के ऑप्शन के अंदर जाके सिक्योरिटी लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही सिक्योरिटी लिस्ट को डाउनलोड करेंगे तो हर सिक्योरिटी के आगे आपको उसके रजिस्ट्रार का नाम नजर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपके पास चार कंपनीज के शेयर है तो आप अनफॉर्चुनेटली आपको एक जगह नहीं जाना होगा, हो सकता है आपको दो जगह जाना हो, या हो सकता है आपको तीन जगह जाना हो, या हो सकता है आपको चार जगह रब्ता करना पड़े चार मुख्तलिफ रजिस्ट्रार्स के पास, बिकॉज पाकिस्तान में मल्टीपल रजिस्ट्रार्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी सिक्योरिटी है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसका रजिस्ट्रार कौन है। दूसरी बात जो फैजान ने की कि सब अकाउंट या आईएस अकाउंट, देखिए ये दोनों जो है ये सीडीसी के अकाउंट है। सब अकाउंट जो है जो ब्रोकर खोलता है लेकिन वो भी वो सीडीसी के सिस्टम पे खोलता है, और जो आईएस अकाउंट है वो सीडीसी डायरेक्टली खोलता है। तो सिर्फ फर्क ये है कि एक अकाउंट सीडीसी डायरेक्टली खोलता है और एक अकाउंट ब्रोकर खोलता है, मगर वो भी सीडीसी के सिस्टम पे ही खोलता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि उसको आप सीडीसी के अंदर लेकर जाए, डीमेटेरियलाइज करें, बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करें और बेच दे, ये आप सिर्फ सब अकाउंट से कर सकते हैं, ये आप आईएस अकाउंट से नहीं कर सकते। आईएस अकाउंट में आप शेयर्स रख जरूर सकते मगर वहां से सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने शेयर्स बेच दें तो एडवाइजेबल ये है कि आप अपना सब अकाउंट खुलवाए। अच्छा, डिविडेंड लेना, अगर किसी को सिर्फ डिविडेंड लेना है तो उसमें भी आईएस अकाउंट खुल सकता है, इज दैट सफिशिएंट, या सीडीसी सब अकाउंट इज इंपॉर्टेंट? सॉरी, आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन। इफ समबडी, अगर किसी को बेचने नहीं है शेयर्स, उनको कन्वर्ट करके बुक एंट्री करके अपने पास होल्ड करना है और डिविडेंड लेना है जो कि अक्यूमुलेट हो गया है 5 साल का, 10 साल का, वट एवर ओवर दोज इयर्स, अगर उसे डिविडेंड लेना है तो फिर वो आईएएस अकाउंट के जरिए हो सकता है। जी, आईएएस अकाउंट इज एज गुड एज सब अकाउंट, द ओनली डिफरेंस इज आप वहां से बेच नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज मैं समझाती चलूं। Raida, I would like to say something on the dividend question. अच्छा, डिविडेंड लेने के लिए जो है, जो डिविडेंड लेने में जो सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं वो वंस अगेन रजिस्ट्रार्स जो है वो क्लाइंट की मदद जो है वो सबसे ज्यादा कर सकते हैं डिविडेंड हासिल करने में, जो कि पास डिविडेंड्स हैं बिकॉज वो रजिस्ट्रार के पास से इशू होते हैं। तो इवन विदाउट ओपनिंग बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स, अगर क्लाइंट फिजिकल शेयर्स लेके भी रजिस्ट्रार के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पास्ट डिविडेंड्स जो है वो नहीं मिले, तो वो उस पे वैसे भी जो है वो रजिस्ट्रार उनकी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो डिविडेंड इश्यू कर सकता है। ठीक है, थैंक यू फैजान। एक चीज और मैं समझाती चलूं, जो मैं पहले भी बात कर रही थी, सीडीसी जो शारिक आल्सो स्पोक अबाउट इट, सीडीसी आईएएस अकाउंट जो है वो डायरेक्टली सीडीसी
के पास खुलता है और वो इन्वेस्टर खोलता है। ये इस तरह समझ लें कि आईएएस अकाउंट इन्वेस्टर का पर्सनल लॉकर ऑफ शेयर्स होता है विद इन सीडीसी। अब सब अकाउंट पे आए तो सब अकाउंट ब्रोकर के थ्रू खुलता है। मेन अकाउंट ब्रोकर का होता है। अगर ब्रोकर के पास 500 कस्टमर्स हैं तो 500 सब अकाउंट्स खुलेंगे ऑन सीडीसी। मगर जो सीडीसी सब अकाउंट है वो इज इन्वेस्टर का शेयर्ड अकाउंट विद द ब्रोकर, यानी आपका जॉइंट अकाउंट है ब्रोकर के साथ। ब्रोकर भी डाल सकता है उसमें शेयर्स, आप भी डाल सकते हैं। ब्रोकर निकालेगा, निकाल सकता है आपके की मर्जी के साथ। ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू बाय एंड सेल एंड ट्रेड, दैट इज व्हेन यू नीड अ सीडीसी सब अकाउंट के। जब आप ब्रोकर को ऑर्डर करें कि वो सेल करे आपके बिहाफ पे या बाय करे, तो वो जब बाय करेगा सीडीसी सब अकाउंट जॉइंट अकाउंट में डालेगा, और जब वो सेल करेगा तो ही विल गोइंग टू योर जॉइंट सीडीसी सब अकाउंट, पुल आउट द शेयर्स एंड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस सेल इट इन द मार्केट। सो ये मेजर फर्क है। आईएएस अकाउंट आपका पर्सनल लॉकर है और सीडीसी सब अकाउंट आपका जॉइंट अकाउंट है विद इन अ ब्रोकर्स अम्ब्रेला। और हम एक दो और काफी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, एक दो और क्वेश्चंस करके देन आई विल मूव टू द क्वेश्चंस। Somebody has written, my father or mother gave me paper shares as gift at the time of my wedding. I have them but don't know what to do with them. How do I convert them to digital? Now, इसका obviously आप लोगों ने process तो बता दिया है, but ये उसी सूरत में applicable होगा process जब ये shares investor के नाम पे होंगे। Faizan, if you can please take this question. जी बिल्कुल, ऐसे ही है। जब investor के नाम पे वो shares होंगे तो ही वो CDC sub account में या investor account में transfer हो सकते हैं। जो ये बता रही है कि गिफ्ट के फॉर्म में इनको मिले थे और इनके फादर ने या मदर ने दिए थे, तो जब ब्लड रिलेशनशिप होता है तो ये शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे फ्रॉम फादर टू डॉटर और फादर टू सन, ये शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। और ये शेयर्स जो ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले पेपर फॉर्म टू पेपर फॉर्म ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द रजिस्ट्रार। उसके बाद जब एक दफा वो ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर जिसको ट्रांसफर हुए हैं वो जाके एक अपना सीडीसी सब अकाउंट खुलवाएगा या इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाएगा, और उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, कैन आई ट्रांसफर पेपर शेयर्स टू डिजिटल फॉर्म ओवरसीज थ्रू आरडीए? ये अभी रीसेंट डेवलपमेंट है आरडीए की, तो आई डोंट नो, आई थिंक शारिक, वुड यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? आरडीए के अंदर आप अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट नहीं करवा सकते बुक एंट्री फॉर्म में। उसका रीजन ये है कि आरडीए में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसका ओवरसीज से होना जरूरी है। अगर आपके पास पहले से कोई शेयर्स मौजूद है तो वो डेफिनेटली आपने लोकल मनी से लिए होंगे, तो वो जो है वो आरडीए में नहीं जा सकते। इसके लिए रेमिटेंस होना जरूरी है, आरडीए के लिए रेमिटेंस का होना जरूरी है। ग्रेट, थैंक यू शारिक। वन मोर क्वेश्चन, आई हैव माय रिलेटिव्स पेपर शेयर्स but they are abroad and no longer want to use the shares. How can I transfer these shares in my name? Abhi inke koi rishtedar hain jinhone inko kagaz ke shares de diye hain aur kaha mujhe nahi chahiye, aap rakh le, to ye apne naam pe kaise transfer kar sakte hain? Iske liye paperwork kya hoga, documentation? And it's a relative, so it's not an immediate blood relative, I think it's a relative. इसमें मैं एक चीज तो ये क्लियर कर दूं कि पेपर शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड, और उसके तरीके जरूरी नहीं है कि वो रिलेटिव ही हो। पेपर शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास जो पेपर शेयर्स है उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहा जाता है ट्रांसफर डीड। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको कहा जाता है ट्रांसफर डीड। और ट्रांसफर डीड पे जो आपके रिलेटिव है अगर उनके साइन हुए हुए हैं और वो वेरीफाई हुए हुए हैं फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, तो ये शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड टू एनीवन। फिर उसके अंदर ट्रांसफरी के अंदर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं,
आप किसी और का नाम भी डाल सकते हैं और वो शेयर्स ट्रांसफर उसके नाम पे हो जाएंगे जिसका नाम पे ट्रांसफ्री आएगा। इसको हम एक अपनी टर्मिनोलॉजी में एक जुमला बोलते हैं कि स्ट्रीट नेम पे शेयर्स है। स्ट्रीट नेम पे शेयर्स का मतलब ये होता है कि शेयर्स फिजिकल फॉर्म पे है और उनकी ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफरर ने साइन किए हुए हैं और उसकी ट्रांसफर डीड जो है वो रजिस्ट्रार ने वेरीफाई भी की हुई है। तो ये एक तरीके से जैसे जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो आप कहते हैं ओपन लेटर है, इसी तरह हमारी लैंग्वेज में ओपन लेटर को हम कहते हैं कि ये स्ट्रीट नेम पे शेयर्स है, यानी दे कैन बी कन्वर्टेड टू एनीवन। तो जो भी अपने नाम पे लिखवा लेगा ट्रांसफ्री के खाने के अंदर अपना नाम, वो शेयर उसको कन्वर्ट हो जाएंगे, उस पे नाम पे फिजिकल पे चले जाएंगे और उसके बाद फिर वो बुक एंट्री पे जा सकेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके रिलेटिव्स ने आपको कोई शेयर दिए हैं तो क्या उन्होंने उसकी ट्रांसफर डीड भी आपको दी है जिसपे उनके सिग्नेचर भी है और वो वेरीफाइड है फ्रॉम द रजिस्ट्रार। थैंक यू शारिक। फैजान ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। एक क्वेश्चन है कि माय फादर हैज पास्ड अवे, ही हैड अ लॉट ऑफ शेयर्स व्हिच आर लाइंग विद अस, हाउ डू आई ट्रांसफर दीज पेपर शेयर्स ऑन माय नेम, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज द प्रोसेस। नंबर थ्री, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड फॉर द ट्रांसफर। अच्छा, इस केस में होता ये कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, जब डेथ सर्टिफिकेट होता है उसके साथ एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है कि जिनकी भी डेथ हो गई है उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी जो भी वर्थ है वो आगे किसको ट्रांसफर होगी। तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके अगर रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे और वो पेपर शेयर्स लेके चले जाएंगे तो वो जिसके भी नाम पे वो सक्सेशन बनी हुई होगी उसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर हो सकेंगे। और वंस जो है वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर देन ये ट्रांसफर हो सकते हैं टू द सीडीसी सब अकाउंट और द इन्वेस्टर अकाउंट। इसी से रिलेटेड इन्हीं ने वापस दूसरा सवाल ये पूछा है कि इनके पास एयरशिप सर्टिफिकेट है, सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है। एक रजिस्ट्रार ने तो कहा है कि दैट इज एक्सेप्टेबल, बट दो तीन और डिफरेंट रजिस्ट्रार्स ने कहा है कि नहीं, उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, एयरशिप सर्टिफिकेट की नहीं। जी, आई थिंक इस बारे में जो बेटर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो रजिस्ट्रार ही दे सकते हैं, बट एज पर माय नॉलेज जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो मेनली रिक्वायर्ड होता है रजिस्ट्रार के। बताया था कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन 25 के करीब रजिस्ट्रार्स हैं, जैसे हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज आई थिंक वो 600 के करीब लिस्टेड कंपनीज हैं और उनके 25 के करीब रजिस्ट्रार्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुख्तलिफ रजिस्ट्रार और मुख्तलिफ कंपनीज की अलग अलग प्रैक्टिस है। तो जैसे इन्होंने खुद कहा कि कुछ रजिस्ट्रार जो है वो हेयरशिप सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द रजिस्ट्रार जो है उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, थैंक यू शारिक। अच्छा, एक और क्वेश्चन था बट आई थिंक यू हैव रिस्पोंडेड टू इट कि हाउ कैन आई ट्रांसफर गिफ्ट पेपर शेयर्स टू माय सिब्लिंग्स। सो वो ट्रांसफर डीड और ट्रांसफरी वाला आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड हियर। एक साहब पहले कह रहे हैं कि एओए, इफ कंपनीज हैव ऑल द डेटा ऑफ ओनर्स देन व्हाई डोंट दीस कंपनीज कॉल देम बैक एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल शेयर। आई थिंक इसका भी एक कोई रीजन होगा क्योंकि ओनर्स को खुद आके कन्वर्ट कराना पड़ता है बिकॉज पेपर शेयर की आई थिंक प्रेजेंस जरूरी है। बताइए शारिक, इफ यू कुड हेल्प इन दिस। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो फैजान ने इससे पहले भी बताई थी कि आपको अपनी बुक एंट्री सिक्योरिटीज के लिए एक प्रीरिक्विजिट है और वो प्रीरिक्विजिट है सीडीसी का अकाउंट। तो अगर इश्यूअर्स जो कॉन्सेप्ट पे ये बात हो रही है, जो रिकमेंडेशन आई है कि इश्यूअर्स को जब उनके पास सारा डेटा है तो वो खुद ब खुद उनको क्यों नहीं कन्वर्ट करा देते बुक एंट्री फॉर्म में, तो वो इसलिए नहीं करा देते कि अकाउंट कहां से लेकर आएंगे। वो अकाउंट तो इन्वेस्टर ने खुलवाना है ना। Right. So you have your answer. Okay. Account खुलना जरूरी है CDC का, चाहे वो sub account हो या IS account हो. There's another question. If I have Askari Bank's share, do I need to go to Askari Bank's registrar? Secondly, what if I don't have all the shares in physical form? That is, if I have lost some. गुमे हुए shares का क्या करें? इनके सारे मसाइल पर जो हल है वो अस्करी बैंक के रजिस्ट्रार ही इनको दे सकेंगे।
और अगर ये अगर प्रूव कर सकें कि इनके पास ये थे और ये गुम गए हैं, वो भी तो ट्रैक होगा इनके पास. इवन ये प्रूफ आप भी कर सके, अगर क्या NIC लेके जाएंगे अस्करी के रजिस्ट्रार के पास, तो वो खुद इनका एक चीज कहलाती है फोलियो नंबर. वो इनके NIC के बेस का फोलियो नंबर डिटेक्ट करके इनको बता देंगे कि आपकी ये होल्डिंग है और अगर आपको रीइश्यू करानी है तो उसकी ये फॉर्मेलिटीज है. ग्रेट, दैट इज अ गुड. वो फोलियो नंबर आपके पास होना चाहिए और रजिस्ट्रार के पास आप जाएंगे अस्करी बैंक के. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर हैड फिजिकल शेयर्स एंड आई हैव ब्रोकरेज अकाउंट, सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट दीज शेयर्स इनटू माय अकाउंट? ग्रैंडफादर के शेयर्स आपके ब्रोकरेज अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर होंगे? फैजान, आई थिंक यू शुड टेक दिस. इसका भी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जिसकी शारिक ने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, कि वो जो ट्रांसफर डीड होती है उसके थ्रू जो है ट्रांसफरर के अंदर जो है वो उनके ग्रैंडफादर के सिग्नेचर्स होंगे और वो ट्रांसफर डीड वेरीफाई होगी. उसके बाद ट्रांसफरी में जो है ये अपने नाम पे उसको फिल कर सकते हैं. ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे, तो फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू ही हो सकता है इसका. और कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट में दो तीन लोगों के नाम होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं या मदर हैं तो उनके भी नाम होते हैं, तो उसके बावजूद क्या उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन एडिशन टू द सक्सेशन सर्टिफिकेट, डू दे नीड अ सॉर्ट ऑफ पावर ऑफ अटर्नी या समथिंग एल्स फ्रॉम द अदर सक्सेसर्स of that person? I think I think ये भी बताने की position में registrar बेहतर होंगे, because वो इन चीजों से deal कर रहे होते हैं. Brokers normally इस चीज से deal नहीं कर रहा होता है. हमारे पास जब कुछ shares आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उसको convert करते हैं. ठीक है, मैं explain कर देता हूँ कि देखिए जो succession certificate बनता है, अगर अगर आप जाके किसी कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसके अंदर सारे सक्सेसर्स का होना जरूरी होता है, उनके या कम से कम उनके सिग्नेचर्स होना तो जरूरी होता है, और उसी के अंदर किसी एक को मैंडेट दिला दिया जाता है. अच्छा, इसके अंदर में एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, बल्कि इतनी रीसेंट डेवलपमेंट है कि वो अभी तक तो कोई केस हमारे पास आया भी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज ऑफ द पब्लिक ये शेयर कर रहा हूं कि अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा भी इशू कर रहा है, और नादरा ये कह रहा है कि अगर उसके जितने सक्सेसर्स हैं जो फैमिली ट्री में अपीयर हो रहे हैं इन दी नादरा रिकॉर्ड्स, वो अगर अपीयर हो जाते हैं नादरा के पास और अपने थंब इंप्रेशंस वहां पे दे देते हैं और किसी एक को मैंडेट दे देते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूट होगा एज अ सक्सेशन सर्टिफिकेट, और उसकी बेसिस के ऊपर भी कोई भी एसेट जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, इंक्लूडेड शेयर्स. Excellent. I think this is a very important information that you just shared with all of us. Nadra is also issuing succession certificates and uske andar, and that is also acceptable, and that uske andar ek individual of the family members ko mandate de diya jata hai, who can do manage all the financials for all the assets. Achha, there's another question. I bought some shares in an IPO 30 years ago and I do not have any documents but know the company. Sorry, subject question. Inka question hai ki maine 30 saal pehle kisi company se shares khareede the but mere paas wo documents nahi hai. Mujhe magar sirf company ka naam pata hai. To kya wo CNIC number ya certificate nahi hai inke paas? इनके पास वो पेपर शेयर्स नहीं है. 30 साल पहले इन्हीं ने किसी कंपनी के आईपीओ में शेयर्स खरीदे थे. इनको अपने CNIC के साथ जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा उस कंपनी के, और फिर वो अपना फोलियो डिटेक्ट कराएंगे तो वो बता देगा कि इनके कितने शेयर्स हैं, फिर वो रीइश्यू होंगे और रीइश्यू होने के बाद ये इसको बुक एंट्री में कन्वर्ट करा सकते. ठीक है, सो स्टेप वन, यू विल आइडेंटिफाई द रजिस्ट्रार, गो टू द CDC वेबसाइट, डाउनलोड्स एंड रजिस्ट्रार सिक्योरिटी लिस्ट निकालें जहां रजिस्ट्रार की डिटेल्स हो. जो कंपनी है उसके आगे रजिस्ट्रार का नाम लिखा होगा, आप रजिस्ट्रार को कॉन्टैक्ट करें, विजिट करें एंड अपना CNIC प्रोड्यूस करके उनको उनसे आपके नाम के शेयर्स री इशू कराएं. वंस यू गेट द शेयर्स देन यू कैन कन्वर्ट देम to book entry form and then sell them or keep them, and also get any dividends that you must have earned by them.
अच्छा एक और क्वेश्चन है, कैन शेयर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम IAS टू सब अकाउंट? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक इसका जवाब तो बहुत ही क्लियर है, आपके पर्सनल अकाउंट से जब भी आपको खरीदना या सेल करना है आप अपने पर्सनल अकाउंट से IAS अकाउंट से नहीं सेल कर सकते, आपको जरूर सब अकाउंट में यानी ब्रोकरेज के पास अकाउंट खोलना होता है, ब्रोकरेज आपका CDC सब अकाउंट खोलेगा एंड देन यू विल बी एबल टू बाय मोर बाय और सेल दोस शेयर्स or more buy more shares also. How long does it take to transfer from broker sub account to investor and what is the procedure? I think Faizan, this should be yours. अच्छा ये ट्रांसफर अगर आपने फ्रॉम द CDC सब अकाउंट जो ब्रोकर के पास होता है उससे अगर इन्वेस्टर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं तो वो रियल टाइम पे हो जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है. एक लेटर देना होता है बेसिकली ब्रोकर को कि ये मेरे शेयर जो है ये आपके सब अकाउंट पे पड़े हुए हैं और इसको मेरे इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो हम सेम डे के अंदर ही कर देते हैं. तो वो लेटर क्या ईमेल भी एक्सेप्टेबल हो सकती है फ्रॉम द इन्वेस्टर? ईमेल अगर जो हमारे पास उनका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है अगर उससे आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है. ठीक है ठीक है. अच्छा सेम डे हो जाता है. ओके अच्छा. आल्सो द क्वेश्चन यू शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप दैट रेड माय फादर हैड मेनी शेयर्स आफ्टर हिज डिमाइज, समझ नहीं आया मुझे, इफ यू कैन वापस से आप टाइप कर लें अगर शेयर अपना क्वेश्चन. आई एम सॉरी. If someone wants to take shares for minor children, can it be taken on their names only? And what is better, paper shares or opening an account at a brokerage house? इसका एक मेजर मेन वो मैं बता दूं कि आज अगर आप शेयर्स खरीदते ने निकलते हैं तो आपको पेपर शेयर्स नहीं मिलते, आपको इलेक्ट्रॉनिक ही मिलते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के ब्रोकर, सो आप डायरेक्टली कोई भी कंपनी से किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, यू नीड टू हैव अ ब्रोकर टू बाय. वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज जिनके शेयर अवेलेबल हैं टू इन्वेस्ट एंड बाय, तो उनके लिए आपको ब्रोकर के पास सबसे पहले अकाउंट खोलना होता है एंड विद इन दैट अकाउंट यू कैन बाय और सेल शेयर्स. नाउ द क्वेश्चन, इफ यू वांट टू बाय शेयर्स फॉर माइनर चिल्ड्रन हाउ शुड यू गो अबाउट इट? फैजान यू शुड बी आई थिंक ब्रोकरेज के पर्सपेक्टिव से जरा प्लीज इस पे रोशनी डालें. माइनर्स का CDC सब अकाउंट या इन्वेस्टर अकाउंट नहीं खुलता है. बेसिकली खुलता ये उन्हीं का ही है जिनकी कोई ना कोई पर्सनल इनकम हो, तो वो इस वजह से ये माइनर्स के नाम पे जो है वो शेयर बाय नहीं हो सकते. ठीक है अच्छा. माय फादर हैज फिजिकल शेयर्स ऑफ PIA एंड आई हैव CDC सब अकाउंट, हाउ कैन आई कन्वर्ट दीज शेयर्स इन डिजिटल फॉर्म इन माय अकाउंट? आई थिंक ये इसका वही जवाब होगा शारिक के ट्रांसफर डीड, बताइए. जी इसका बिल्कुल वही जवाब है कि आपके पास आपके वालिद की जो ट्रांसफर डीड होगी जिसके पर अगर उन्होंने सिग्नेचर करवा लें उनसे ट्रांसफर के अंदर अपने नाम के आगे ट्रांसफरी के ऊपर आप सिग्नेचर कर दें, शेयर्स जब आपके नाम पे आ जाएंगे उसके बाद आप उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते. ठीक. इज देयर एनी CGT और टैक्स और फी इन्वॉल्वड इन शेयर ट्रांसफर फ्रॉम पेपर टू डिजिटल शेयर्स और डिविडेंड ट्रांसफर फ्रॉम पेपर टू डिजिटल शेयर्स? इसके ऊपर एक स्टैम्प ड्यूटी है, जब आप फिजिकल से बुक एंट्री फॉर्म में आते हैं तो एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है. बस ये दिस इज द ओनली चार्ज जो कि गवर्नमेंट का एक चार्ज होता है. इसी से रिलेटेड मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है कि ये जो हमारे पास जो ये स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट डाली हुई CDC ने, ये अब अवेलेबल नहीं होते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ये ट्रांसफर स्टैम्प्स या टिकट्स जो जिसको कहते हैं, तो इसका कोई और अल्टरनेटिव है या CDC के ऑफिस से ये स्टैम्प्स अवेलेबल हो सकते हैं? यू नो व्हाट डू वी डू अबाउट इट फॉर स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स जो के जिनके पास इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है स्टैम्प्स का? बिल्कुल, देखिए एक तो इस ऑफिस से बिल्कुल अवेलेबल है और मुझे आई थिंक फैजान भी रिकन्फर्म करेंगे कि मुझे जो लास्ट याद है कि इवन PSX की बिल्डिंग में भी इस तरह के टिकट सेलर काफी अवेलेबल होते हैं. फैजान अभी भी होते हैं अवेलेबल या?
जी PSX की बिल्डिंग के अंदर तो नहीं होते, बट ये कि PSX की जो बिल्डिंग है उसके अराउंड काफी ऐसे होते हैं जहां से स्टैम्प्स मिल जाते हैं बड़ा इजीली। बट ये तो वो लोग हैं जो लेट्स से कराची बेस्ड हैं। व्हाट अबाउट पीपल इन हैदराबाद और व्हाट अबाउट पीपल इन सियालकोट एंड सखर एंड यू नो एडजॉइनिंग एरियाज, वो क्या करें? देखिए पोस्ट ऑफिस से यूजली इट्स जस्ट लाइक ए स्टैम्प है, ये टिकट है जो आप पोस्ट टिकट होता है ना वही होता है, तो आई थिंक सारे पोस्ट ऑफिस से अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा वैसे इसको आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एज अ कस्टमर फीडबैक लें, क्योंकि मेरे पास दो तीन इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि ये स्टैम्प्स का प्रॉब्लम है, तो मे बी यू कुड यू नो स्टार्ट वर्क ऑन डेवलपिंग सम अल्टरनेटिव फॉर दिस। अच्छा, इफ द प्रीवियस डिविडेंड इज अक्यूमुलेटेड एंड हैव रीच्ड फेडरल गवर्नमेंट, then how can we recover, and also many shares have become dead, so what should be done with them? क्या डिविडेंड फेडरल गवर्नमेंट के पास भी चला जाता है? देखिए ये एक लॉ जरूर पास किया था कंपनीज एक्ट के अंदर ही था कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम फ्रेम जो डिविडेंड्स है जो अनक्लेम डिविडेंड्स है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, लेकिन जो मेरी नॉलेज है कि ये लॉ रिपील हो चुका है, वापस किया जा चुका है और अब ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कि आपके डिविडेंड्स जो है वो गवर्नमेंट के पास चले जाए। ठीक है ठीक है, सो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा था, आई हैव मेनी शेयर्स विच हैव बिकम डेड, सो यानी ये कंपनीज या तो डीलिस्ट हो गई हैं या ये कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई हैं, दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, सो व्हाट शुड बी डन विद देम? आप मुझे दोनों सिनेरियोस का बता दें, डीलिस्टेड कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे अब लिस्ट नहीं है, सो यू नो देयर आर फ्यू कंपनीज, सो उनके अगर शेयर्स हैं तो उसके लिए ये क्या करें, रजिस्ट्रार के पास जाएं उसी कंपनी के? जी बताइए। इसमें दो चीजें हैं, अगर वो कंपनी बंद हो चुकी है, डिफॉल्टर डिक्लेयर्ड हो गई है, बैंकक्रप्ट हो गई है, तो उस उन शेयर्स का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन देयर आर कंपनीज डज इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन मर्जर्स और सर्टेन एक्विजिशंस। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो है वो आपको रजिस्ट्रार से रब्ता करना होगा या आप सीडीसी से रब्ता कर ले। रायदा ने शायद शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी, मैं रिपीट कर देता हूं, सीडीसी का टोल फ्री नंबर है 0800-232-75, तो आप सीडीसी से रब्ता करके ये पता कर सकते हैं कि मेरे पास ये शेयर्स थे, इस पर्टिकुलर कंपनी का अब क्या स्टेटस है। तो हो सकता है कि वो कंपनी किसी से मर्ज हो गई हो या उसको किसी ने एक्वायर कर लियो, तो आपका फोलियो वहां पे मौजूद होगा और आपको नई कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन, फिजिकल शेयर्स इन स्ट्रीट नेम विथ टीडी अवेलेबल बट सिग्नेचर्स आर नॉट वेरिफाइड, सिंस टीडी फॉर्मेट इज चेंज्ड, द रजिस्ट्रार इज नॉट वेरिफाइंग एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टक, हाउ डू आई प्रोसीड? ये जरा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे समझ तो नहीं आया, बट आई एम श्योर शारिक आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर डीड है उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है और इनके पास पुरानी फॉर्मेट की ट्रांसफर डीड मौजूद है, जो सिग्नेचर है ना वो इनका वेरिफाइड नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार है वो अब इनको ये इंसिस्ट कर रहा है कि ये नए फॉर्मेट की टीडी लेकर आए और उसके ऊपर सिग्नेचर भी लेके आए। तो अब एक तो सवाल मेरा यह है होगा कि जो ट्रांसफरर है वो क्या हुआ है, वो फौत हो चुके हैं या कहीं चले गए हैं, क्योंकि ट्रांसफरर से इसका मतलब ये है कि इनका कोई राबता नहीं है। इन्होंने शुरू में ही कहा कि दे हैव शेयर्स ऑन स्ट्रीट नेम, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफरर था वो कोई चार पांच स्टेप्स पीछे था और ये चार पांच लोगों के हाथ से होते हुए सिक्योरिटीज इनके पास आ रही है। तो इसमें मेरी इनको एडवाइस यही होगी कि दे शुड, अगर रजिस्ट्रार इनको एंटरटेन नहीं कर रहा है तो दे शुड गो टू द कंपनी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी को लिखे, और अगर इवन कंपनी सेक्रेटरी भी एंटरटेन नहीं करता तो लास्ट रिजॉर्ट इज टू गो टू SECP। ओके, SECP का कोई कंप्लेन नंबर या कोई ईमेल एड्रेस है जो आप इन्हें प्रोवाइड कर सकें फॉर दिस रीजन?
ये आपकी वेबसाइट और हमारी वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल है रायदा, PSX की वेबसाइट पे भी है और हमारी वेबसाइट पे भी है। जी ठीक है, तो आप बेसिकली लास्ट रिजॉर्ट इज SECP, बट एज शारिक सजेस्टेड यू शुड बी approaching the company secretary first with your request and putting your case up front to them, and let's see what happens. And in case that also doesn't work out, then the last resort is SECP complaint. One more question. My mother wants to gift certain shares to me. We both have investor account with CDC. However, her TO book has been misplaced. What's the alternative for the same? नई टीओ बुक इशू करा ले, उसमें तो कोई रस्ता ही नहीं है, बहुत इजीली इनकी नई टीओ बुक इशू हो जाए। जैसे चेकबुक खो जाती है तो बैंक में जाके नई चेकबुक इशू करा लेते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे कोई तरीका है या ये डायरेक्टली आपको 0800 पे कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं न्यू टीओ बुक का? हमारी वेबसाइट के ऊपर एक सेगमेंट है इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज का, उसके अंदर लिखा हुआ है हाउ टू इश्यू अ न्यू टीओ बुक, वहां पे भी दिया हुआ है। उसके अलावा दे कैन इजीली कॉल ऑन 0800 और वो भी इनको बता देंगे तरीका। अच्छा, इन साहब को तो पता है टीओ बुक का क्या मकसद है, बट बाकी और लिसनर्स के लिए आप अगर बता सके टीओ बुक क्या होती है? इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑर्डर बुक, ये बिल्कुल उस तरह जैसे आपके बैंक अकाउंट की चेक बुक होती है, इसी तरह आपके IS अकाउंट की भी एक ट्रांजेक्शन ऑर्डर बुक होती है, जिससे जब आपको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है तो आप वो चेक बुक की तरह वो चेक काट के CDC के हवाले कर देते हैं। लेकिन अब आजकल के दौर में वी हैव अ ऐप आल्सो, तो आप अपने मोबाइल से भी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और हमारा पोर्टल भी मौजूद है ई सर्विसेज का, आप जाके ऑनलाइन भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड कि आपको फिजिकल टीओ बुक से ही शेयर को ट्रांसफर करना पड़े। शारिक, ऑन दिस सेम नोट, आई थिंक हम एक और वेबिनार करेंगे आपके ई सर्विसेज पोर्टल को डिफाइन और यूटिलाइज करने के लिए, सो थोड़ा उसके लिए भी आप तैयार रहें। अच्छा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक बिकॉज़ अब टाइम अप हो रहा है हमारा। हाउ टू ओपन इन्वेस्टर अकाउंट इन CDC, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इज इट पॉसिबल टू ओपन दिस अकाउंट ऑनलाइन? जी देखिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो द ओनली थिंग वी नीड इज योर CLIC और आप उसके साथ हमारा अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट की फैसिलिटी हम इंशाल्लाह एंड ऑफ अगस्त में लॉन्च कर रहे हैं, तो सितंबर शुरू में आप ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं CDC के साथ। अच्छा, आई थिंक लास्ट कमेंट आया कि पहले स्टैम्प्स पोस्ट ऑफिस से मिलते थे मगर आजकल नहीं मिल रहे, सो अगेन the request to please look at alternative options, give the investors some you know convenience jahan wo iska koi alternate kar sakte hain. So I don't know, but kya Shariq, ye jo hum 500 aur 1000 rupaye ya 200 rupaye ke stamp papers lete hain, could that be an alternative to the to this ticket thing jo stamps lagane hote hain? नहीं, ये असल में ये तो हमें स्टैम्प चाहिए जो हम उन शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर डीड के ऊपर लगाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये CDC में भी अवेलेबल है और जैसे फैजान कह रहे थे कि ये स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से लोग हो रहे होते हैं जिधर भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जाके हमें ये जरूर मुराद सईद साहब को लिखना चाहिए कि जी पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प क्यों नहीं अवेलेबल। Chaling, great. Thank you very much, Faizan. One last question for you, although इसमें नहीं आया है, but from my end, थोड़ा सा आप investors को ये बता दें कि paper shares, electronic shares, जो भी है, आपके पास जब कोई account खोलने आता है तो उसे आप लोग किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? क्या आप लोग की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है? क्या मिनिमम अकाउंट रिक्वायरमेंट्स है? एंड एग्जिस्टिंग पेपर शेयर्स भी लेकर आए या एग्जिस्टिंग IS अकाउंट हो उनका, तो हाउ विल दे ओपन? कोई आप लोग की लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है यू नो, एंड थोड़ा सा उसके ऊपर इलेबोरेट कर दें। एंड उसके बाद शारिक, आई वुड वॉन्ट यू टू जस्ट गिव द क्या कहते हैं द ऑप्शन ऑफ दिस क्या कहते हैं अपना, एक दफा और अपनी वेबसाइट जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? सो फैजान प्लीज।
केएसबी ने जब दोबारा लॉन्च किया था तो हमारा मिशन ये था कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम करें, और जो एक पेनिट्रेशन रेशो होता है जो पाकिस्तान का काफी कम है, पेनिट्रेशन रेशो होता है कि कितनी पॉपुलेशन है और उस पर कितना परसेंटेज जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है या एटलीस्ट उनके अकाउंट्स खुले हुए हैं स्टॉक मार्केट में। तो हमारा विजन जो था वो ये था कि हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, जिसकी वजह से जो हमने रिक्वायरमेंट्स रखी थी वो बहुत ही ज्यादा इजी रखी थी। हमारा केएसबी पे एक काफी बड़ा एक सेल्स डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो सिर्फ रिटेल के ऊपर फोकस कर रहा है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है अकाउंट खुलवाने की फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इट्स जस्ट 5,000 रुपीज। सिर्फ 5,000 रुपीज में डिपॉजिट के साथ हम रिटेल इन्वेस्टर्स का अकाउंट खोलते हैं। अगर तो उनके पास पेपर शेयर्स हैं तो उनको हम कम्प्लीटली फैसिलिटेट करते हैं उन पेपर शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए। वो भी हमारा कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो कम्प्लीटली कस्टमर की हेल्प करता है उन उन शेयर्स को कन्वर्ट करवाने में उसके अकाउंट में। इसके अलावा भी अगर तो क्लाइंट को कोई और भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमारा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट कम्प्लीटली देता है। अगर तो क्लाइंट ने शेयर्स ट्रांसफर करने होते हैं अपने इन्वेस्टर अकाउंट से तो वो इन्वेस्टर अकाउंट से भी वो एक हमें टीओ दे देता है जिसके थ्रू जो है वो शेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट में उसके ट्रांसफर हो जाते हैं, सीडीसी सब अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वो उसको सेल कर सकता है। तो इन इन सारी चीजों के लिए एक हमारा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि विच इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर क्लाइंट्स। और अकाउंट खुलवाने का जो प्रोसीजर है वो भी काफी सिंपल सा है, ऑनलाइन भी अकाउंट खुल सकता है और इसके अलावा जो है ये पेपर पे फॉर्म फिल करके भी ये वाला अकाउंट खुल सकता है। So, if I'm sitting in Chichawatni, क्या मैं आपकी वेबसाइट पे आके ऑनलाइन पूरा अकाउंट खोल सकती हूँ? बिल्कुल खोल सकती है, हमारी वेबसाइट पे इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं और वो अकाउंट कम्प्लीटली ऑनलाइन खोल सकता थोड़ा आप उसकी वेबसाइट का आप अपना बताएंगे, कौन सा सेक्शन होगा ये? है। केएसबी सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे अकाउंट ओपनिंग के अंदर ही जब जाएंगे तो ये ओके, ऑप्शन भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है। तो वहीं से सीडीसी सब अकाउंट भी खुल जाएगा या उसके लिए मुझे अलग से सीडीसी के दफ्तर जाना होगा? नहीं, वहीं से सीधे से सब अकाउंट भी खुल जाएगा। एक्सेलेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वेरी प्रोडक्टिव। आई होप वी हैव बिन एबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई एम सॉरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई वुड सजेस्ट कि हम अपनी इन्फो की सीडीसी और फैजान, आप दोनों अपनी इन्फो की वेबसाइट जो ईमेल एड्रेस है शेयर कर लें कि इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो आप लोग को डायरेक्टली भी लिख सकें। जी राइदा, हमने अपनी अपने चैट बॉक्स के अंदर अपनी वेबसाइट, अपना टोल फ्री नंबर और अपना ईमेल एड्रेस तीनों चीजें मेंशन कर दी है। फैजान आप भी कर लें, आई थिंक यू कैन टाइप इट डाउन जी बिल्कुल, मैं अभी अभी ये और मैं रिपीट कर लूंगी। एज आई सेड, info@cdcpak cdcpark.com, ये सीडीसी का ईमेल एड्रेस है। सो जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग डायरेक्टली उनको एड्रेस कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इनका नंबर है टोल फ्री 0800-23275। आई अंडरस्टैंड इसमें कोई आप लोग के अल्फाबेट्स भी वो हैं इजी करने के लिए। जी, ये CDC 23275 से CDCPL बनता है। ओके, अच्छा। और इनकी वेबसाइट है www.cdcpakistan.com। एज फार एज फैजान इज कंसर्न, फैजान आपकी वेबसाइट भी बता दें या ईमेल एड्रेस बता दें केएसबी सिक्योरिटीज। इट्स ksb.com जो वेबसाइट है हमारी। फोन नंबर जो है वो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके, द फोन नंबर, द डायरेक्ट लाइन नंबर इज 02135248975 एंड वेबसाइट एज ही सेड www.ksb.com। तो जो बकाया आप लोग की इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं, आई वुड सजेस्ट के प्लीज एवरीवन डायरेक्ट देम देयर। यू कैन आल्सो राइट टू अस एट info@psx.com.pk। यू कैन गिव अस अ कॉल एट आर UAN नंबर। ऑल्दो कोविड की वजह से लॉट ऑफ टाइम्स आपके लोग अवेलेबल नहीं होते, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.psx.com.pk एंड आर UAN नंबर इज 111-001-122। I think thank you very much. I will call it a day. Again, I would thank Sharik and his team and Faizan Munshi from KSB to be for being here and
answering our questions on such an important topic. Inshallah, we'll come back again with more interesting topics, which will be very helpful for all of you. Thank you, Ji. Thank you, Raida, for holding this webinar. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you very much, Raida. Okay, you're welcome. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.